हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज आप सोच रहे होंगे कि भाई आज हमें इतनी सारी अपनी और अपने हस्बैंड की पिक्चर्स क्यों दिखा रही है, तो वो इसलिए दोस्तों क्योंकि मैं आपके साथ अपनी सारी वो पुरानी मेमोरीज़ को याद कर रही हूँ जो ओवर द ईयर्स मैंने अपने हस्बैंड के साथ मनाई हैं, वो इसलिए क्योंकि आज है मेरी वेडिंग एनिवर्सरी। देखिए भाई, वेडिंग एनिवर्सरी फर्स्ट हो या टेंथ हो या 25th हो, आई थिंक जो यादें होती हैं ना इन सारे सालों में वो बहुत ही अनमोल होती हैं। तो आज मैं आपका ये जो वीलॉग आपके साथ शेयर कर रही हूँ उसमें पहले मैंने सोचा था कि बहुत अच्छे से घर में सेलिब्रेशंस करूँगी, पर क्योंकि अभी लास्ट मंथ ही इतना ज़्यादा मैंने ट्रैवल किया और यू नो शादी के सेलिब्रेशंस एंड ऑल, तो वी जस्ट डिसाइडेड कि अपना ऑफिस का काम और अथर्व का स्कूल वगैरह थोड़ा सा ख़त्म करके हम जाएंगे एक अच्छी सी जगह पर लंच करने के लिए। तो हम लोग जो हैं निकल पड़े एंड टिल द टाइम वी रीच द डेस्टिनेशन मुझे नहीं पता था कि हम कहाँ जा रहे हैं। तो आइए देखते हैं कि आज पतिदेव कहाँ लेकर चल रहे हैं। तो फाइनली हम आ पहुँचे हैं ITC विंडसर। सो इट्स अ वेरी गुड 5-स्टार प्रॉपर्टी फ्रेंड्स, एंड इसका जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो जैसे ब्रिटिशर्स के टाइम पे बिल्डिंग थी उसी तरीके से बनाया गया है। तो आइए एक्सप्लोर करते हैं और उसके बाद देखते हैं कि जिस रेस्टोरेंट में हम लंच के लिए आज जाने वाले हैं उसकी खासियत क्या है। दिस इज़ द ब्यूटिफुल लॉबी ऑफ द होटल। बहुत ही खूबसूरत लग रहा था जहाँ भी नज़र जा रही थी, मतलब ऐसे लग रहा था जैसे मैं ब्रिटिशर्स के टाइम की किसी प्रॉपर्टी में आ गई हूँ। सो इट टुक मी बैक टू द हिस्ट्री। और ये जो कारपेट था ना, इसको देख के जो स्टेयरकेस था ऐसा लग रहा था जैसे वो रेड कारपेट वाला एक लुक होता है। सो आई गॉट अ फोटोग्राफ क्लिक्ड हियर ऑल्सो। और फिर उसके बाद हम चले अपने रेस्टोरेंट की तरफ। तो आज जिस रेस्टोरेंट में हम लंच करने वाले हैं फ्रेंड्स, दैट्स कॉल्ड द अफगान रेस्टोरेंट। और उसकी जो स्पेशलिटी मैं कहूँगी वो ये है कि इस रेस्टोरेंट में आपको चम्मच फोक नाइफ कुछ भी नहीं मिलेगा। इस रेस्टोरेंट में जो भी खाने के लिए मिलेगा सब कुछ आपको हाथ से ही खाना है। आइए देखते हैं। ये जो रेस्टोरेंट है फ्रेंड्स, दिस वाज अलोंग द पूल साइड, तो इसकी जो खूबसूरती है उसको और भी ज़्यादा बढ़ा रहा था। एंड ऑफ कोर्स अथर्व के साथ तो बहुत इजी हो गया था। ही वाज सो हैप्पी सीइंग स्विमिंग पूल, जाके देख रहा था कि बच्चों का जो स्विमिंग पूल है वो कहाँ पर है। ऑफ कोर्स कोविड की वजह से पूल्स एंड एवरीथिंग आर क्लोज्ड नाउ, बट स्टिल कम से कम बैठने की जगह सुंदर हो तो खाने का मज़ा अपने आप ही बढ़ जाता है। सो हियर कम्स आर एग्जॉटिक लंच। मम्मी जो हैं शी इज़ अ वेजिटेरियन, बट हम लोगों ने अपने लिए नॉन वेज भी ऑर्डर किया था। एंड ट्रस्ट मी गाइज, इतना मज़ा आया ना मुझे हाथ से खाना खा के, क्योंकि यूजुअली देखिए जब आप जाते हो ना 5-स्टार प्रॉपर्टीज़ में या किसी अच्छे रेस्टोरेंट में, तो आजकल आप सबसे पहले फोक और नाइफ उठाते हो, बट दिस वॉज समथिंग डिफरेंट। मतलब हाथ से खाना खाने में जो स्वाद आता है ना, मैं तो घर पर भी सच बताऊँ तो चावल में दाल सब्जी सब कुछ मिक्स करके हाथ से खाती हूँ, और आज मुझे बिल्कुल वैसी ही फीलिंग आ रही थी। तो मैंने तो लंच बहुत इन्जॉय किया, और साथ ही में यू नो ये जो छोटे छोटे मोमेंट्स होते हैं जब आप फैमिली के साथ बैठ के लंच करते हो, अपनी बातें शेयर करते हो, ये सारे मोमेंट्स बहुत ही यादगार होते हैं। क्योंकि घर पे तो हमेशा मैं मेरे हस्बैंड हम दोनों अलग अलग टाइम पे कई बार लंच करते हैं, कभी ऑफिस का काम कभी अंश को देखना है, तो मम्मी के साथ हम खूब इन्जॉय कर रहे थे। फाइनली बच्चे अपने इंटरेस्ट की चीज़ें ढूंढ ही लेते हैं। सो अथर फाउंड आउट अ कॉर्नर जहाँ पर एक मिनी, मैं कहूँगी एक पॉन्ड बनाया हुआ था, बीच में फाउंटेन था और उसके अंदर थी फिश, जिनको देखते ही अथर गॉट सो एक्साइटेड, वहाँ से हट ही नहीं रहा था। तो आइए थोड़ी सी अथर की मस्ती में हम भी बच्चे बन जाते हैं।
लंच खत्म करके फ्रेंड्स हम वापस आए लॉबी में. वी डिसाइडेड थोड़ा सा फोटो शूट करेंगे यहाँ पे, बट अथर्व ने कुछ भी करने नहीं दिया. और आप सब जान के सरप्राइज होंगे कि क्यों वो इरिटेटेड थे. इसलिए क्योंकि रेस्टोरेंट में उन्हें कुल्फी खाने के लिए मिली थी एंड चॉकलेट पेस्ट्री वॉज नॉट ऑन द मेन्यू. तो बच्चे ही होते हैं खैर, और उसके लिए कोई भी सेलिब्रेशन तब तक कंप्लीट नहीं होता है जब तक कि वो डोनट ना खा ले या यू नो केक कट ना करे, चॉकलेट पेस्ट्री ना खाए. और आज ही के दिन मेरे फादर इन लॉ का भी बर्थडे होता है, तो हमने सोचा है यहाँ से जाते टाइम हम अथर्व के लिए और पापा के लिए दोनों के लिए कुछ कुछ लेंगे और वीडियो कॉल पे करेंगे पापा के साथ उनका बर्थडे सेलिब्रेशन. तो आइए फटाफट से घर चलते हैं. हुआ वॉचिंग माई वीडियो एंड आर फ्रॉम बैंगलोर, उनको पता होगा कि ये जो प्रॉपर्टी है दिस इज़ नियर बाई टू द गोल्फ कोर्स. तो ऑन द वे जो ड्राइव करने का मज़ा है ना वो बहुत ही अच्छा है, स्पेशली बिकॉज आई लिव अ लिटिल अवे फ्रॉम द सिटी. मुझे बहुत मज़ा आता है जब भी हम किसी ऐसी जगह आते हैं जो सिटी के सेंटर में है. शादी के एकदम बाद जब हम शिफ्ट हुए थे तो हम सिटी के सेंटर में ही रहते थे, बट लेटर ऑन बिकॉज ऑफ माई ऑफिस वी शिफ्टेड टू वाइट फील्ड. मुझे वाइट फील्ड उतना हैपनिंग नहीं लगता है, बट स्टिल कई बार यू नो आपको कुछ ना कुछ तो खोना पड़ता है ना, तो जॉब करना था तो इसलिए वी केम बैक टू वाइट फील्ड. तो ये आप देख सकते हो अथर्व इज एंजॉइंग हिज डोनट क्योंकि हमें रास्ते में मिल चुका है और हम घर भी पहुंच गए थे. और घर पहुंचते ही अथर्व से बिल्कुल वेट नहीं हुआ दोस्तों. तो चलिए फटाफट से पापा को भी बर्थडे विश कर देते हैं. और मैं चाहती हूँ कि मेरे साथ साथ और अक्षय के साथ साथ आप मेरे फादर इन लॉ को भी ढेर सारी विशेज दें. तो इसी के साथ ख़त्म हुआ फ्रेंड्स मेरी लाइफ का एक और प्यारा सा दिन. बट आगे बहुत सारा धमाल आप लोगों के लिए बाकी है क्योंकि मैं फटाफट से अपने भाई के फंक्शंस की वीडियोस रिलीज़ करने वाली हूँ अपकमिंग वीक्स में. तो मेरी वीडियोस के साथ जुड़े रहिएगा. और अगर आज का ये वीलॉग आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा. चलिए मिलूंगी बहुत जल्द अपनी अगली वीडियो में. तब तक स्टे हेल्दी, स्टे सेफ एंड स्टे ट्यून्ड टू अनुष्का. बाय बाय.